जेफरीज की रिपोर्ट है और जो कमेंट्री है काफ़ी अच्छी है कि जो कंपटीशन आया था इनके लिए उसका बहुत खास असर नहीं पड़ेगा और बाय की जो रिकमेंडेशन है उसको बरकरार रखी है, लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 4,650 रुपये का, 3,800 रुपये के आसपास का शेयर है, यानी कि यहाँ से भी 800-850 रुपये के आसपास की तेज़ी देख रही है जेफरीज यहाँ से। आयुषर मोटर जरा चेक कीजिए, वैसे हम देख रहे हैं कि ऑटो पैक पूरा मोमेंटम में है और अब तो बिक्री आंकड़ों पर नजर होगी, कल नवंबर के आंकड़े आ जाएंगे, शेयर कैसा लग रहा है आपको ये? अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में एक हमें अप्रोक्सीमेटली फ्लैग पैटर्न देखने का मिल रहा है जिसमें नीचे का लेवल जो है 3770 के आसपास का है और इसकी अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग है 3812 की। तो अब इसमें एक पॉइंट ये देखना है कि 16 नवंबर से लेकर अभी तक ये स्टॉक साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें जो भी बड़ा अपमूव शुरू होगा वो 3900 के लेवल के ऊपर ही स्टार्ट होगा जो कि इसका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। जब तक ये स्टॉक नीचे ये स्टॉक रेंज में चल रहा है, ऊपर में 3900, नीचे में 3770, इस रेंज के ऊपर जैसे भी स्टॉक ऊपर निकलेगा तो इसमें ऊपर का मूव आएगा, 3770 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो हम 3660 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लाइकली लगता है कि 3900 का लेवल बहुत जल्दी ये स्टॉक क्रॉस करेगा और ऊपर में जैसे ही 39 उसका फर्स्ट टारगेट जो बन जाएगा वो 3975 का होगा, सेकंड टारगेट 4050 का।